हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूर्या देव। गाइस, आज हम पैटर्न प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें ये पैटर्न अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। गाइस, हम रोज एंड कॉलम्स पहले जान लेते हैं। इन्हें हम रोज कहते हैं और इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। सो गाइस, ऐसे पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रोज़ को गिनना पड़ता है कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 रोज़ हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, पहले हम इंटीजर टाइप रो लेंगे और कॉलम लेंगे और फिर लिखेंगे फोर लूप में रो इक्वल्स टू 1, रो इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड रो प्लस प्लस। इसकी हेल्प से हमें 1 to 5 तक रोज़ मिल जाएंगी। गाइस, अब हम कॉलम्स पर देखेंगे। गाइस, हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम पे 1 वैल्यू, सेकंड कॉलम पे 2 वैल्यू एंड थर्ड कॉलम पे 3, फोर्थ पे 4th एंड फिफ्थ पे 5th। सो गाइस, अब हम क्या लिखेंगे? हमें 5 कॉलम्स चाहिए। सो हमने लिखा फोर लूप, कॉलम इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और कॉलम प्लस प्लस। और हम जानते हैं फर्स्ट कॉलम पे 1 वैल्यू आ रही है, सेकंड कॉलम पे 2, मींस हमें कॉलम को ही प्रिंट कराना है हर एक लाइन में। और फिर लाइन चेंज करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन। अब हम इसे थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि होता क्या है। सो गाइस, होगा क्या, सबसे पहले रो इक्वल्स टू 1 होगा। जब रो 1 होगी तो हमारा यहाँ चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इट्स करेक्ट। अब हम नीचे आएंगे, नीचे आए तो कॉलम इक्वल्स टू 1 हो गया है, कॉलम 1 हो चुका है। फिर ये कंडीशन दिखेगा 1 इज लेस देन 5, करेक्ट। अब हम नीचे आएंगे और 1 और हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट हुआ, एंड ऑफ लूप आया। फिर हम इधर जाएंगे, अब कॉलम प्लस प्लस होगा, मीन्स अब वैल्यू कॉलम की 2 हो चुकी है। अब हमने कंडीशन देखी, कंडीशन इज करेक्ट। अब हम फिर नीचे जाएंगे तो हमें पहले मिला 1 और फिर अब मिलेगा 2। जब हम इधर गए तो ये एंड ऑफ लूप की वजह से हम फिर से इधर जाएंगे, अब कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन इज करेक्ट और प्रिंट हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 प्रिंट होगा और फिर 5। गाइस, जब 5 प्रिंट होगा, अब हम एंड लूप की वजह से इधर जाएंगे और कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन इज फॉल्स। फिर हम इस फोर लूप के बाहर आ जाएंगे, फिर हमें ये मिलेगा प्रिंट एफ स्लैश एन, मीन्स अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए। सेकेंड लाइन पे आए तो हमें ये लूप मिला, इस लूप की हेल्प से हम ऊपर जाएंगे। गाइस, अभी रो 1 थी, अब रो 2 हो चुकी है, अब रो 2 चुकी है, कंडीशन इज करेक्ट, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर से वही प्रोसेस, फिर से कॉलम 1 होगा, फिर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5 और फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 और फिर से स्लैश इन के कारण हमारी लाइन चेंज होगी। गाइस, अब हम इस प्रोग्राम को सिस्टम पर रन कर लेते हैं। गाइस, दिस इज आवर प्रोग्राम जो हमने अभी सॉल्व किया, अब इसे हम रन करते हैं। जैसे हमने रन किया, हमारा आउटपुट आ गया, आप देख रहे होंगे जो हमने आउटपुट लाना था वही आउटपुट आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इफ़ यू अंडरस्टैंड देन बीइंग अ सब्सक्राइबर एंड लाइक द वीडियो।